हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। आज भाई हमारे सामने खड़ी है i20 एस्ट्रा मॉडल है। ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल में भाई सनरूफ आ जाती है। ये आपका एस्ट्रा मॉडल है, ये 2020 का वेरियंट है भाई। आज इस गाड़ी को चला के देखने वाले हैं। हालांकि हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है ड्राइविंग की, लेकिन ये जो ओनर है ना भाई, इन्होंने क्रूज़ कंट्रोल अपने आप लगाया है गाड़ी में। तो आज हम बेसिकली सिर्फ वो ही टेस्ट करने वाले हैं और 0 to 100 आपको करके दिखाएंगे गाड़ी का। तो गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं, हरिओम भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। गाड़ी में बैठ चुके हैं भाई हम। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाई, सिस्टम चेक की ऐसे वो आता है, ऐसा कुछ इसका वो दिखता है। कंफर्म कर दो इसको, ये हो गया अपना। गाड़ी को चला के देखते हैं यार के मतलब i20 जो है इतनी फेमस सेलिंग हैचबैक्स में से आती है, चलाने में कैसी है। 0 to 100 वगैरह सब करके देखेंगे हम इस गाड़ी का। लो जी हम बैठ चुके हैं, हैंड ब्रेक हमने करा नीचे, और एसी अभी भाई 20 पे चल रहा है, फैन स्पीड इसकी 2 है। एसी बहुत सही है यार इस गाड़ी का ना। फर्स्ट गियर में चल रहे हैं भाई अभी हम, तो काफ़ी ठीक ये रिस्पॉन्स दिखाती है भाई। सेकेंड गियर में आ गए हम, थर्ड गियर में, तो गाड़ी तो चलने में बहुत बढ़िया है भाई, काफ़ी सही है। एसी ऑन है गाड़ी का, 3 जने हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। एवरेज की बात कर लें तो 11.8 की दिखा रही है, जिसमें अभी हमने ड्रैग रेस वगैरह कर रखी है इससे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हो। और ये भाई करंट फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, ये जो बाहर चल रहा है ये करंट है। और अगर यहाँ पर अगर आप नीचे करोगे ना तो ये आपका एक दिन का दिखाता है कि कितना किलोमीटर चली है और कितनी माइलेज दिया अभी तक उस किलोमीटर में। तो भाई ये देखो आज की है, मतलब ये 24.9। हाँ भाई आज ये 24.9 ये किलोमीटर इतने चली। अच्छा किलोमीटर भाई, आज 25 किलोमीटर भाई की गाड़ी चल गई है। 5 गियर आते हैं इस गाड़ी में, और गाड़ी को अगर मैं थोड़ी ब्रेकिंग की बात कर लूँ, 5th गियर में है, 30 की स्पीड से उठाने की कोशिश करता हूँ तो भाई उठ गई। हालांकि कह रहा है गियर डाउन कर लो, लेकिन 5th गियर में भी 30 की स्पीड से उठ गई। स्विफ्ट से अगर कंपेयर करूं मैं तो थोड़ी गाड़ी में पिकअप की कमी जरूर महसूस होगी जो बंदा इस पे मारुति से शिफ्ट हो रहा है। एसी ऑफ कर देते हैं हम, एसी ऑफ है, खाली फैन चल रहा है। ये देख लो भाई फैन चलने दो, इसका 0 to 100 करके दिखाते हैं हम आपको। 5000 तक जाती है ये आइडल में। आपकी स्क्रीन के नीचे टाइम है भाई, वहां देख लेना आप। सेकेंड गियर में ये जाएगी 90 तक मेरा जो अनुमान है, और ये 80, 85, 83, और ये भाई अब थर्ड गियर में 90 टच कर लेगी। ये 100 टच हो गई भाई थर्ड गियर में, थोड़ा और खींचते हैं। थर्ड गियर में ही है अभी हमारी गाड़ी, 111 की स्पीड पकड़ ली इसने, 114, 117। अब जरा ब्रेकिंग लेके देखते हैं गाड़ी की। इम्प्रेसिव हुंडई सच में, मतलब भाई काफ़ी मतलब सही ब्रेकिंग है यार इस गाड़ी की ना। कुत्ता देवता को परेशान नहीं करेंगे, साइड से ले लिया हमने गाड़ी। और बॉडी रोल की बात कर लें तो i20 में आपको हैचबैक होने के हिसाब से काफ़ी कम बॉडी रोल मिलता है। हम 3 जने बैठे हैं अभी इस गाड़ी में। हॉर्न आपको अंदर इतना महसूस होता है, बाहर बहुत पावरफुल हॉर्न है इस गाड़ी का। एसी ऑन कर लिया है हमने अपनी गाड़ी का, थर्ड गियर में मैंने गाड़ी डाल दी है। और गाड़ी यार चलने में तो वैसे बहुत अच्छी है। अब भाई ने जो मेन हम जिसके लिए आज हम आए हैं वो है कि क्रूज कंट्रोल। अब जरा हम क्रूज कंट्रोल इस्तेमाल करके देखें भाई। 40 के ऊपर होता है ना भाई? 30 के ऊपर। अच्छा 30 के ऊपर, 30 के ऊपर होता है भाई। अभी लगा के देखते हैं कि भाई ने कैसा काम करा है। हालांकि भाई की वीडियो में आपने देख लिया होगा कि ये सक्सेसफुली चल चुका है, एक बार हम चला के देखते हैं। तो भाई मान लो क्रूज लगा दिया, उसके बाद रेस दी और 40 पे छोड़ दी, तो क्रूज 40 पे रुकेगा, 30 पे वापस आएगा, वहां पे नहीं रुकेगा ना। और ब्रेक लोगे तो टूट जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब लगा के देखेंगे भाई। एक बार यहाँ पे लोग हैं उनको जाने देते हैं। बताओ यार भाई ने मतलब खुद ही कर लिया यार ये क्रूज व्रूज भाई, सही है यार भाई। अब ये मैंने लगा दिया गाड़ी 30 से ऊपर क्रूज, 38 की स्पीड में मैंने गाड़ी का क्रूज लगाया, 34 पे लगाया, 34 की स्पीड में भाई मैंने गाड़ी का क्रूज लगाया है। गियर बदलूंगा टूट जाएगा? हाँ भाई ठीक है। 34 की स्पीड पे क्रूज लगाया और भाई बढ़िया चल रहा है यार। थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करा, 50 पे छोड़ूंगा, तो 50 पे छोड़ दिया, ओके 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 ओके, अब ये 50 पे मेंटेन हो गई। तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं भाई हम स्पीड? हाँ भाई। 51 52 53, थोड़ा लेट है लेकिन है। 55 तुरंत दबाओगे तो 56 नहीं जाएगी, एक सेकंड रुकेगी फिर जाएगी, उसके बाद गियर चेंज करोगे तो भाई ये क्रूज कंट्रोल आपका टूट जाएगा। दोबारा क्रूज लगाना है,
इस पे दबाओ लग जाएगा। तो भाई ये कामयाब तो हो गई चीज है। हाँ तो ये तो भाई भाई ने बड़ा सही खेल कर लिया यार। अब रेस देते हो आप उसके बाद सही है यार, मतलब बढ़िया है। i20 की एसी की बात कर लें तो एसी गाड़ी का बहुत अच्छा है। एक मैं आपको अगर थोड़ा ड्रॉबैक बताऊं तो यार ये गाड़ी में आपको पिकअप नहीं मिलता है, उसके बाद ये एक मोमेंट के बाद आपकी गाड़ी बढ़िया हो जाएगी, पिकअप वगैरह नहीं मिलेगा। सेकंड गियर में हमने डाल दी है गाड़ी, थर्ड में डालता हूँ, फोर्थ में डालता हूँ, थोड़ी सी अब शेकिनेस 18 की स्पीड पर महसूस होएगी, लेकिन फोर्थ गियर पे भी आपने इसको उठा लिया और गाड़ी उठ गई, कोई इसमें दिक्कत परेशानी की बात महसूस हुई नहीं। तो भाई आप गाड़ी चलाते हो, आप थोड़ा कुछ बताओ कि गाड़ी चलने में कैसी है। भाई गाड़ी चलने में तो ठीक है, अगर किसी को नॉर्मल चलानी है ना, मतलब डेली ड्राइविंग के लिए चाहिए, अपने कहीं मतलब ऑफिस जाना या फिर कुछ, उसके लिए ठीक है। अगर रेस वगैरह नहीं करनी और चलाने के इतने शौकीन नहीं है ना जैसे भगा के चलाने में, तो उसके लिए गाड़ी परफेक्ट है। माइलेज वगैरह सब सही है, फीचर्स भी पूरे दे रही है और मतलब की ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है। ये बात तो भाई बिल्कुल, मतलब की फोर सिलेंडर इंजन आ ही रहा है तो उसमें मतलब की इतनी वाइब्रेशंस आपको अंदर फील भी नहीं होती है फिर। ये बात तो है भाई। बाकी एसी ऑन में 30 की स्पीड से मेरी स्विफ्ट भी उठ जाती है। मेरे को लगा था i20 नहीं उठ पाएगी, लेकिन i20 बिल्कुल भाई खरी उतरी। एसी में वो भी उठ जाती है, ये भी उठ गई। अभी एवरेज की बात कर लें तो 11.8 की दे रही है ये। बाकी भाई आपने टैंक टू टैंक करा है इसका? हाँ भाई करा है। क्या निकाली टैंक टू टैंक में? 17.5 के आसपास निकाली थी। सिटी में या हाईवे पे थे? हाईवे और सिटी दोनों का मिक्स। अच्छा मिक्स था, मिक्स था, ओके ओके। तो ये तो भाई ये तो आप पेट्रोल गाड़ी के साथ ही कर सकते हो, डीजल गाड़ी तो हवा ले जाएगी। तो ये ऐसा कुछ भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस था i20 का। बेसिकली ड्राइव हमने कर रखी है, हमारे चैनल पे वीडियो भी है, लेकिन ये जो चीज़ है ना भाई मेरे को ये देखनी थी कि ये कैसी है। बाकी भाई स्पीकर सिस्टम कैसा है इस गाड़ी का? स्पीकर सिस्टम भाई बोस का आ रहा है, ठीक है, बात ही कुछ अलग है उसके तो। सही बात है। बाकी ये लो जी, ये हमारी गाड़ी दोबारा से कट गई है। आपको एक बार दिखाता हूँ कि फर्स्ट गियर में कहाँ पे लैग मारेगी। ये देखो फर्स्ट गियर में डल गई, 51 तक जा रही है, 51 तक गई भाई फर्स्ट गियर में। हाँ तो यही फर्क है भाई, सही है, मैं समझ गया। गाड़ी बढ़िया है यार, ओवरऑल गाड़ी अगर एक स्विफ्ट ओनर होने के नाते मैं बताऊं तो गाड़ी अच्छी है। थोड़ा पिकअप में आपको ये लगेगा, अगर आप भगाने का इतना वो नहीं है तो गाड़ी फीचर वाइज पूरी लोडेड है। ये देखो यार आपको सब कुछ मिल रहा है इस गाड़ी में। तो ऐसी कुछ वीडियो थी भाई। अंदर से आप ये ORVMs भी अपने फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा 10 की स्पीड के नीचे फोल्ड हो जाएंगे चलती हुई। अच्छा अच्छा, अनफोल्ड किसी भी स्पीड पे हो जाएंगे। अच्छा नहीं बताई है, मेरे को नहीं पता थी। और ये अनलॉक भी नहीं होगा? अनलॉक भी नहीं होगा भाई, वो लॉक हो जाएगा। देखो भाई सेफ्टी फीचर अपनी अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो इसमें आप 100 की स्पीड पे चाहे 150 की स्पीड पे अनलॉक कर लो, इसमें नहीं होएगा भाई। देखो ये एक सेफ्टी फीचर है हुंडई का, काफी अच्छी चीज निकाली है ये। वायरलेस चार्जिंग भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगी, सनरूफ आपको इसमें नहीं मिलेगी भाई। और यहाँ की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपको कोई शीशा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक शीशा मिल जाएगा बिना लाइट के। ये अभी भाई ने वाइट लगवा रखी है, कंपनी से येलो आती है। सनग्लास होल्डर मिल जाएगा आपको। बाकी गाड़ी बढ़िया है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हैचबैक में मोस्ट सेलिंग में आती है भाई ये भी। इसको धूप में खड़ी रखोगे ना और फिर एसी चलाओगे तो ये ठंडा करने में मारुति से ज्यादा टाइम लेती है, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। बाकी एसी में दबती तो है यार, दबती है एसी में तो मेरे हिसाब से। पेट्रोल गाड़ी दबती दबती है, चाहे कोई सी भी हो, डीजल गाड़ी है जो भाई ट्रिप नहीं लेती, वरना ये भी ट्रिप ले ही रही है। एक बार कैमरे का रिस्पांस और दिखाते हैं आपको कि रिवर्स में कैमरा कैसा है इस गाड़ी का। बिल्कुल स्टेबल, ये देखो भाई कैमरे का रिस्पॉन्स देखो, गाइडलाइंस के साथ मिल जाएगा आपको ये। भाई नंबर प्लेट दिख रही है यार भाई, ये वाइड एंगल बहुत है और इसके कैमरे में ना एक चीज किसी ने नहीं देखी है। हाँ? जैसे अगर पीछे ले रहे हो आप गाड़ी, हाँ? जैसे कोई फेंस है, सीधी फेंस है ना जैसे, हाँ? उसमें देखना है तो ये देखो टॉप का व्यू भी दिखाता है ये 360 कैमरे। अरे वाह, ये चीज नहीं पता काफी लोगों को। काफी लोगों को नहीं पता भाई। अच्छा। ये मतलब जैसे आप ऊपर से देखना चाहते हो, ये देखो ये बता देती है कि ये झाड़ी है। MID में भी है। अच्छा MID में भी है, ये देखो भाई, ये देखो MID में भी है। फर्स्ट गियर में हमने डाल दिए और थोड़ी देर बाद कैमरा बंद होता है। हाँ भाई 10 की स्पीड के ऊपर होएगा यार, ये तो बढ़िया चीज है भाई। ये मतलब आपने भाई 10 लाख रुपए इस गाड़ी के पीछे लगाए तो आपको वर्थ लगते हैं? वर्थ लगते हैं भाई, लेकिन और ऑप्शंस भी अगर अभी मैं देखूं तो उसपे भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिसको जो लेनी है वो अपने हिसाब से। मतलब कभी पछतावा तो नहीं हुआ कि यार गलत जगह लगा दी? ऐसा तो कुछ नहीं। तो भाई ये देखो 10 की स्पीड जैसे भाई ने बताया था बंद हो गए हैं, और ये भी 20 की स्पीड पे लॉक होते होंगे अगर खोल दो तो। कैसे खोल दिए? अब ये लॉक होएंगे 20 की स्पीड पे? हाँ 17 की, 17 की 15। ये देखो ब्रेक लिए,
खोले 11 की स्पीड, 13 पे ही हो रहे हैं भाई 13 की स्पीड पे ही, अपनी स्विफ्ट में 18 पे होते हैं भाई। तो ऐसा कुछ था ये भाई। प्रॉपर बंद हो जाता है भाई? बंद हो, मतलब ब्लैक स्क्रीन करना चाहे तो हो जाती है भाई, लेकिन ये घड़ी आएगी, क्लॉक हटा सकते हो यार। अच्छा नहीं ठीक है, वैसे प्रीमियम लुक दे रहा है रात को। तो भाई ऐसा कुछ रिव्यू था ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बेसिकली ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो क्या कहूँगा मैं इसको, ये मेरे को क्रूज कंट्रोल दिखाना था भाई ने, बड़ी मेहनत करी यार इसके पीछे भाई। स्पेशली आए भाई, थैंक यू आपका आने का। भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। i20 से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखनी है सारी डाल रखी है भाई ने, वहाँ पे जाके भाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी। आपको अगर आप कोई अपना डाउट भी पूछेंगे तो इंस्टाग्राम भाई का है, भाई अपने चैनल पे बताते रहते हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं भाई को, मेल कर सकते हैं, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। i20 और स्कॉर्पियो, एक स्कॉर्पियो भी है भाई के पास, उसका भी अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो भाई, उसका भी जरूर आपको रिव्यू दिखाएंगे। S10 है ना भाई आपकी? S10 है भाई की, उसका भी रिव्यू दिखाएंगे भाई अगर आप देखना चाहते हैं तो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखी तो बिना लाइक करे मत जाना भाई, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और बिल्कुल लगा देते हैं टच करके ए लो जी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें भाई, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टाटा, सी यू, बाय बाय।